दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। जिस तरह से जान रहे हैं कि सीतामढ़ी लोकसभा चुनाव में कई सारे उम्मीदवार हैं और इस उम्मीदवारी में कई ऐसे नेता अपने वादे को लेकर कई ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं। इसी बीच हमारे बीच में एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं और साथ में समाजसेवी हैं। कई ऐसे पार्टी में भी रहे लेकिन समाज हित के लिए कई ऐसे पार्टियों को त्यागा भी, लेकिन समाज कैसे आगे बढ़े, समाज किस तरह से विकास करे, समाज का उन्नति कैसे हो, इसको लेकर तमाम वैसे बातें करते हैं। डॉक्टर आर के गुप्ता जी हैं जो स्किन के डॉक्टर हैं और हजारों मरीजों को लगातार है अपने पैटी से ठीक भी करते हैं। सर, जिस तरह से जानते हैं कि सीतामढ़ी का लोकसभा चुनाव जो है एक अहम चुनाव माना जा रहा है। अब रहा लोकसभा इलेक्शन का मुद्दा, इसमें अब कौन विकास करेगा नहीं करेगा, तो इस पर तो हम लोग इस बात की बात है। इलेक्शन जीतने के बाद जो रहा है वो विकास नहीं किया है, सच्चाई है। तो जो भी मतलब वोटिंग होने वाला है तो उस पर ध्यान ये देख करके वोट करना है, यहाँ को पब्लिक को करना चाहिए, जनता को करना चाहिए कि जो मेरे लोकसभा के लिए जो खड़ा उतरे, मतलब कि आपका जो उम्मीद रखें उसको पूरा करें, वैसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करें। अब मैं ये मानता हूँ, मेरा अपना ओपिनियन है कि कोई भी लोकसभा प्रत्याशी हो जो एक बार जीता, दो बार जीता, दो बार से ज़्यादा किसी को चांस नहीं देना चाहिए। मतलब ये ऐसा कुछ नियम ऐसा बन जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि और लोगों को भी चांस मिलता इसमें जी। जो अगर कोई अगर एक बार जीता है, काम नहीं करे, तो उसको दोबारा चांस नहीं देना चाहिए जी। ये जनता नहीं देगी या पार्टी को नहीं देना चाहिए? अगर मान लीजिए कि अगर पार्टी अगर दे रही है तो वहाँ पे मतलब ऑप्शन आता है, मतलब जो भी सरकार में है या विपक्ष में है, उसके बाद को बहुत सारी पार्टी है, उसका निर्दलीय है, इस सब के अलावा एक ऑप्शन नोटा आता है जी। तो अगर आपको कैंडिडेट पसंद नहीं है, जो सरकार जो चल रही थी पिछले उसका कामकाज पसंद नहीं है, या मतलब जो सांसद जीता हुआ है वो आपको काम नहीं किया है, तो वहाँ पे नोटा दबा करके विरोध करना चाहिए। नोटा एक संवैधानिक जो है चिन्ह नहीं है, संविधान में भी बाबा साहब ने नहीं कहा था कि जो है नोटा का आप प्रयोग करें। सब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अपने वैसे प्रतिनिधि को चुने जो आपका विकास करे। हो सकता है कि प्रतिनिधि गलत हो, लेकिन उसी में से चुना जाता है। कई ऐसे लोग भी बोलते हैं कि भारत का जो संविधान है वो भी गलत है, तो तरह तरह की बातें होती है, लेकिन उसी में तो हमें चुनना होगा ना सर। नहीं तो वही गलती तो वहीं होते आ रहा है कि अगर पहले देखा जाता है, पहले अभी सरकार में कौन है तो उसको चुन लिया जाता है, फिर देखा जाता है कि ये काम नहीं किया, फिर विपक्ष में कोई है, कभी यहाँ इसको चुना जाता है, कभी उसको, फिर इसको उसको, ऐसे करने से वहीं विकास वहीं पर रुक जाता है। जैसे सीतामढ़ी है, माता सीता का जन्मस्थली है, अयोध्या यूपी का है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड लेवल पे उसको बनाया गया, बिहार को भी वैसे डेवलप करके सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट को उस लेवल पहुँचाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो भी विधायक सांसद जो भी हुए हैं इस पर काम नहीं किए हैं। अगर यहाँ की जनता अगर इसको डिमांड करती, उस पर अगर जो भी विधायक है सांसद उसको घेराव करती, तो फिर इस पर डेवलपमेंट होता। यहाँ पे गलती अगर मेरे देखने से जनता की गलती। चिराग पासवान ने तो कहा है कि जिस तरह से राम का मंदिर बना है उसी तरह से भव्य जो सीता माता का भी यहाँ मंदिर बना चाहिए, तो क्या मंदिर के नाम पर वोट मिलना चाहिए? देखिए, मंदिर के नाम पर वोट करना, देखिए अभी सब ये एक आस्था की बात है, वोट करना अब इसमें तो हम नहीं बोल सकते कि वोट करना चाहिए नहीं करना। मंदिर ठीक आस्था है, उसके साथ विकास पे ही वोट करना चाहिए जी। विकास क्या, मतलब कि विकास का मुद्दा क्या क्या है, आपने मैनिफेस्टो में आपने क्या दिया है, आप विकास के लिए क्या क्या बात कर रहे हैं, उस पर कितना खड़े उतर रहे हैं, कितना किया है, वो सब पास्ट को देखते हुए सब कुछ। मुख्य रूप से दो उम्मीदवार हैं, एक अर्जुन राय जी हैं जो है इंडिया के गठबंधन से और एनडीए के गठबंधन से देवेश ठाकुर जी जो 22 साल से MLC के जो MLC रहे भी हैं और सभापति भी हैं। क्या आप उनके उनके काम को या उनके व्यक्तिगत जानते हैं? देखिए, व्यक्तिगत जो संसदीय क्षेत्र है तो यहाँ की जनता ज़्यादा अच्छा से बता पाएगी, और यही देखते हुए वोट करना है कि अगर आपके आपके लिए कौन अच्छा है, दोनों जो पक्ष विपक्ष के दोनों लोग हैं दोनों में से कौन अच्छा है, तो उसको देखते हुए वोट करना चाहिए। देवेश ठाकुर जी से पूछा गया था कि सर आप अपने कामों में से दो काम बता दिए तो बड़ी बौखलाहट हो जाती है, आखिर उनको बौखलाहट क्यों होती? बौखलाहट होने के कारण कि साफ साफ दिखता है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो बौखलाहट होगी। अगर सच्चा मतलब कि सांच को आँच कैसा, मतलब वही एक कहावत है, जो जो अगर काम करेगा उसको बौखलाहट नहीं होगी। BJP के एक बहुत अच्छे नेता हैं जो उनके जो उन पे कोई विपक्षी भी विरोधी भी उन पे उंगली नहीं उठा सकते, नितिन गडकरी।
उन जो हैं पूरे मतलब कि इंडिया में कहीं से खड़े हो जाएं तो आँख बंद करके मतलब कि लोग वोट करेगा उचित है। तो नेता उस तरह का होना चाहिए जो मतलब कि आपको समाज में समाज सेवी हो। नेता का मतलब होता है समाज को आगे लेके चलने वाला, यानी लीडरशिप। तो लीडरशिप अगर वो करेगा जो जिसके अंदर आपको थोड़ा सेल्फिश ना हो, यानी कि समाज के लिए सोचे। आजकल तो ज़्यादातर आपको सब समझ ही रहे हैं। नहीं तो नितिन जी के अलावा बीजेपी में कोई और नेता आपको लग रहे हैं? अब ये नहीं, मैं एग्जांपल दिया, अब ये नहीं, उसके अलावा कोई और लग रहे हैं आपको जो उनके बराबर हो सकते हैं? बराबर देखिए, कोई किसी के बराबर नहीं है। मैंने एग्जांपल दिया कि अगर ऐसे नेता हैं कि उनके विरोध में कोई नहीं बोल सकता है। अगर 10 नंबर में से अगर नंबरिंग किया जाए, नंबर दिया जाए, तो नितिन जी को कितना दीजिएगा, मोदी जी को कितना दीजिएगा? देखिए नितिन गडकरी को 10 में से 10 देंगे हम। अगर 10 से अगर ज़्यादा होने वाला 10 से ज़्यादा भी देते हैं उनको। अच्छा, मोदी जी को कितना दीजिए? अब ये तो थोड़ा सा असमंजस में डाल दिए, लेकिन देखिए भारत का संविधान कितना जरूरी है भारत के लिए, भारतवासियों के लिए। देश संविधान पे चलती है, लेकिन वही बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अगर 400 पार आ जाएगा तो संविधान सबसे पहले खत्म हो जाएगा। संविधान किसी को बदलने की ताकत नहीं है कि कोई मतलब बाबा साहब का संविधान बदल दे जी। अगर इस पे बदलाव की अगर बात होती है तो ये तो मतलब कि देश का विनाश होगा। अच्छा, जिस लोकसभा के क्षेत्र में वहाँ जो यूनिवर्सिटी है वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, जहाँ ग्रेजुएशन 3 से 4 साल में होना चाहिए, वहाँ 6 से 7 साल भी लग जाता है। तो न तो MLC इस पर पहल की और इसका डिमांड भी लोग करते हैं तो नहीं पूरा होता है। तो क्या लगता है कि अभी वर्तमान में कोई ऐसे उम्मीदवार हैं जो इसको काम कर सके? उम्मीदवार जो पार्टी सेलेक्ट करती है, जो पब्लिक होता है वो सेलेक्ट करता है कि आपके बीच कौन काम करने वाले हैं। उम्मीद रहता है कि सामने वाला काम करने वाला है, अगर जो आपके क्षेत्र में है वो काम करने वाले हैं। आप देख चुके हैं कि अगर पहले काम नहीं किए हैं तो फिर जो मेरा अपना जो समझ है, अपना ओपिनियन है कि अगर पक्ष में विपक्ष में अगर कोई अगर आपको समझ में नहीं आता है कि दोनों मतलब की है तो काम नहीं किया है तो फिर नोटा वाला ऑप्शन। मेरा अपना लोगों का मानना है कि अर्जुन राय जी बहुत सारा काम किए हैं और व्यक्तिगत लोग काफ़ी सारे, हम लोग भी कंपेन कर रहे हैं, उसमें भी पता चल रहा है कि अर्जुन राय जी की तरफ ज़्यादा लोगों का झुकाव है। आपका झुकाव किधर है? मेरा झुकाव जो सोसाइटी के लिए जो हमेशा मैं खड़ा रहेगा, जो कुछ भी करने को तैयार है, मतलब कि आप देखें कि समाज में कुछ अगर बुरा हो रहा है या कुछ ऐसा घटना हुआ जहाँ पे जब आप बुलाएं तब आपके साथ खड़ा हो, तो वैसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करें। अगर जो नाम रखे हैं जो अर्जुन जी, अगर वो अगर काम कर रहे हैं उस तरह उनका काम है तो सिलेक्ट बिल्कुल करना चाहिए। दूसरी एक लास्ट क्वेश्चन हम करना चाह रहे हैं, अगर आप खुद सांसद के उम्मीदवार होते तब आप क्या क्या करते? देखिए, अगर सांसद के उम्मीदवार अगर होते तो जो मेरा क्षेत्र रहता जी, तो पहले देखता कि वहाँ पे मतलब क्या क्या चीज़ का कमी है। देखिए, अगर देश हो चाहे स्टेट हो या गांव हो या आप शहर हो, सबसे पहले एजुकेशन और हेल्थ जरूरी होता है। अगर आप हेल्दी हैं तो उसके बाद ही एजुकेशन है, तब ये दोनों को पहले सुधार, सबसे ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। मान लीजिए